हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अपना इस चैनल में, जिस चैनल का नाम है ब्लॉग बाई राम श्याम। तो दोस्तों, आज फाइनली हम आप लोग को बता देना चाहता हूं कि आज हम जाने वाले हैं दुल्हनिया एंटरटेनमेंट, जो कि रफ्फीगंज में है और हमारे बड़े भैया आनंद राजा भैया का है। तो आज आप लोग को काफ़ी अच्छा ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, हम अभी घर पे हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। तो हम अपना बाइक से जाएंगे रोड पे से बस पे बैठ जाएंगे। बस पे बैठने के बाद स्टेशन से जाएंगे दोस्तों, और ट्रेन धर के जाएंगे। इसके बाद आप लोग से हम मिलते हैं, और आज काफ़ी अच्छा ब्लॉग आप लोग को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, क्योंकि हम आज जाने वाले हैं रफ्फीगंज। ठीक है दोस्तों, तो फिर आगे का सीन आप लोग को दिखाएंगे। सो गाइस, तो घर से यहाँ पे आ गए हैं, देख सकते हैं रोड रहा ये। तो वही अभी बस के इंतजार लगभग 10-15 मिनट से कर रहे हैं, और बैग था जो वहाँ हम अपना रख दिए। देखिए आप लोग के एक दुकान दिखा देते हैं, वे एक भैया के दुकान है तो वहीं रख दिए, बाकी बस के इंतजार कर रहे हैं। अभी तो आ नहीं रहा है, इस साइड से आएगा तो आएगा, तो बैठते हैं, इसके बाद आप लोग से बतियाते हैं दोस्तों। ठीक है। सो गाइस, तो अभी बस पर से उतरे हैं, और एक हमारा दोस्त था सचिन बाबा, इसे मिलने के लिए आ गए, और काफ़ी ज़्यादा हंस रहा है, देख सकते हैं। तो ठीक है गाइस, जब जाएंगे स्टेशन जाएंगे, इसके बाद हम आप लोग से मिलते हैं। तो अभी गाड़ी से उतरे हैं वहाँ से, और यहाँ से टिकट लेते हैं, इसके बाद बैठते हैं ट्रेन में, उसके बाद आप लोग से फिर मिलते हैं। टिकट ले लिए हैं, देख सकते हैं, अब चलते हैं स्टेशन, ये साइड रहा स्टेशन, तो चलते हैं फिर बैठते हैं ट्रेन में, इसके बाद आप लोग से मिलते हैं। टिकट ले लिए हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इसके बाद। तो पहुंच चुके हैं रफ्फीगंज, उतर गए हैं ट्रेन से, देख सकते हैं आसनसोल वाराणसी था। पहुंच चुके हैं स्टेशन, अब आएंगे डमरू भैया तो रिसीव लेंगे कर। चलिए बैठते हैं स्थान देख करके, और आने वाले हैं डमरू भैया, जो कि दुल्हनिया एंटरटेनमेंट के संचालक हैं। तो बाइक लेकर आ रहे हैं, उन्हीं के साथ जाएंगे स्टूडियो। तो चलिए फिर आते हैं, तो आप लोग से फिर बतियाते हैं। तो फाइनली गाइज, हमें डमरू भैया मिल गए हैं, और ये अपना बाइक लेकर के आए हैं। तो चलते हैं स्टूडियो, और काफ़ी देर से भूख लगा हुआ है, तो कुछ नाश्ता लेंगे कर, इसके बाद हम लोग दोनों भैया मिलकर जाएंगे स्टूडियो। तो ठीक है, फिर चलते हैं स्टूडियो, तो मिलते हैं। हाय कर दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, बाइक चला रहे हैं, काफी मस्त लग रहा है,
अभी रुके हैं नाश्ता करने के लिए और ये स्टूडियो के काफी ही नजदीक पड़ता है और इधर डमरू भी हाथ धो रहे हैं तो काफी देर से भूख लगा हुआ था। देख सकते हैं आप लोग भी आ सकते हैं इस होटल पर खाई कर लीजिए पराठा भैया। तो ठीक है गाइस नाश्ता करते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। तो देखिए अभी नाश्ता उश्ता हो गया है और भैया लोग वहाँ बिल भर रहे हैं जोड़ तोड़ के और फिर अब फिर चलते हैं स्टूडियो से दिखाते हैं बिल मार के फाड़ दिए भैया थोड़ा सा। ठीक है तो चलते हैं स्टूडियो इसके बाद मिलते हैं। नाश्ता उश्ता करके हम बैठ लिए हैं गाड़ी पर जा रहे हैं हम लोग थोड़ा सा गाड़ी को काम करा रहे थे गाड़ी को थोड़ा सा रुकना है ब्रेक है जी जी के लिए। देखिए अभी डमरू भैया के जो गाड़ी था वो बिगड़ गया था तो रिपेयरिंग हो रहा है हो गया है। देखते हैं इनका गाड़ी कैसा है। देखिए तो इनका गाड़ी रिपेयरिंग अभी हो रहा है आखिर रिपेयरिंग की भैया। देखिए यही भैया गाड़ी को रिपेयरिंग किए हैं और डमरू भैया के गाड़ी ये रहा। देखिए ये रफीगंज स्टूडियो के आसी पास में रिपेयरिंग सेंटर है आप लोग भी आ सकते हैं। और डमरू भैया का गाड़ी खराब हो गया था तो रिपेयरिंग हो रहा है तो देखते हैं कि बिल उल अभी कितना आया तो सीधे आप लोग से एक ही बार स्टूडियो पे चल करके फिर मिलते हैं। तो देखिए इनका जो बाइक के था काम हो गया है और बिल है जो तागड़ा बना है 1700 बना है तो थोड़ा सा अब इनका बाइक है जो रेडी हो गया अब हम लोग के दिक्कत ही नहीं होगा। और ये भैया रिपेयरिंग के थे भैया हाई कर दीजिए यही भैया रिपेयरिंग की इनको बाइक के 1700 रुपए ले लिया लूट लिया। हाँ अब 1700 रुपए लग गया है तो थोड़ा सा तो होगा फिर आप लोग से स्टूडियो जाकर के फिर मिलते हैं। देखिए तो बाइक इनका बन गया है अभी बाइक ही चला रहे हैं देख सकते हैं और बस 2 मिनट है स्टूडियो पहुंचने में तो आप लोग के बाइक कैमरा की मदद से हम दिखाते हैं हम जस्ट आ गए। देखिए ये बाहर के लुक है ना दुल्हन देखिए यही सीढ़ी रहा दुल्हनिया एंटरटेनमेंट रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाने के लिए। देख सकते हैं सीढ़ी आ गए सेकंड फ्लोर पर स्टूडियो है देख सकते हैं यहाँ अंकित भैया का पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ कृपया जूता चप्पल बाहर फेंकें। इस रूम में स्टूडियो है तो लॉक है अभी यहाँ डमरू भैया नहीं है और ये एक इनका रूम रहा और इधर लाइटिंग बाथरूम जानवे करते हैं आप लोग। तो ठीक है जब डमरू भैया आते हैं तो आप लोग के हम स्टूडियो का अंदर का लुक दिखाते हैं फिर कि अभी सर जी अभी पधारे हैं 2 मिनट लेट हुआ तो ज़्यादा नहीं और यह आप लोग के दिखा रहे हैं दुल्हनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो रफीगंज। देखिए एकदम फर्स्ट एक बार आते हैं गेट से हटिए देखिए एकदम काफी अच्छा लुक है देखिए देख सकते हैं आप चलते हैं अंदर इस साइड का व्यू देखिए ये वोकल रूम ये हुआ देख सकते हैं थोड़ा सा इन्हें लाइट बार दीजिए देखिए लाइट बार रहा है थोड़ा सा डमरू भैया लाइट बार देंगे तक काफी अच्छा दिखने लगेगा। देखिए यही वोकल रूम है देख सकते हैं ये माइक उक है काफी अच्छा लग रहा और इधर एक लाइट उठ है। देखिए अब बाहर चलते हैं और बाहर इधर साइड के लुक देख सकते हैं पंखा उंखा है और इधर सब भगवान है देवी देवता और ये रहा सिस्टम जिसपे रिकॉर्डिंग होता है और बॉक्स उक्स ये रहा देख सकते हैं आप लोग हम आप लोग के फेस अपना
दिखाते हैं, इसके बाद बात करते हैं। तो सो फाइनली गाइस, हम अपना भैया का स्टूडियो, ये डमरू कह रहे हैं, और इनका स्टूडियो में आ चुके हैं, और आनंद भैया भी आने वाले हैं। आनंद भैया बहुत जल्द आ जाएंगे। और हम पहुंच चुके हैं दुल्हनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो रफीगंज। हेलो, एड्रेस आप लोग के बता देते हैं, एड्रेस बोल दीजिए एक बार। निचली डिसरकामा है रफीगंज जी, रफीगंज निचली डिसरकामा गया रोड जी। तो आप लोग भी आइए इस स्टूडियो में और एक बार मौका देकर दम देखिए, काफी यहाँ रिकॉर्डिंग बेहतरीन होता है। तो ठीक है गाइज, आज की ब्लॉग में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो एक बार सब मिलके दम बाय बोल दीजिए, बाय बाय। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं।